आज देखते हैं। तो जैसे कि आज जैसे EMW देखना था हम लोग को, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक सर डिस्कशन क्लास कब रखिएगा? है, ये फ्राइडे को। यस ठीक सर। है, ये क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं EMW। पहले से हम लोग जानते हैं कि अगर चार्ज रेस्ट पे रहा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर चार्ज रहा, रेस्ट पे रहा चार्ज, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन रहा तो, फील्ड, मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो तो रहेगा ही, लेकिन अगर यही चार्ज एक्सेलरेटेड रहा तो ये जो है हम बोलते हैं कि EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। तो कैसे होगा, क्या होगा, तो उसी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे जानना है। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सा चीजें इसके बारे में जानकारी आज के लिए पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अगर हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो हम लोग वेव के बारे में जानते हैं कि वेव पढ़े हम लोग, एक साउंड वेव पढ़े थे, फिर वेव होने स्ट्रिंग पढ़े थे। तो साउंड वेव को हम लोग कौन सा वेव कहते थे, बोलो? मैकेनिकल वेव, साउंड वेव को सर मैकेनिकल दोनों को मैकेनिकल वेव। बोलते थे। ठीक है, मैकेनिकल होता था, और मैकेनिकल में हम लोग दो तरह का बोलते थे, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये मैकेनिकल नहीं होता है। यानी कि अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें EMW का, तो सबसे पहला ये है कि ये जो है मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है इसके लिए। नो मीडियम इज फॉर प्रोहिबिट। ठीक है, पहले के टाइम में क्या था कि लोग मैकेनिकल वेव से ही ज्यादा अटैच थे, कि भाई अगर विदाउट मैकेनिकल वेव कोई भी, जैसे मतलब मैकेनिकल वेव करने का मतलब कि विदाउट मीडियम कोई वेव मूव नहीं कर सकता। तो लोग सनरेज ये सब जो आते थे बोलते थे, अगर वेव है तो जो मीडियम है उसे ईथर बोल दिया जाता था, यानी वैक्यूम को बोल दिया जाता है ईथर है ये मीडियम। ये खैर, सेकेंड स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन जो होता है इसका, परपेंडिकुलर टू थ्री स्पीड की बात कर रहे पॉइंट फाइव एट हैं, स्पीड ऑफ लाइट से लगभग क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, यानी कि सी के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, थर्ड ये वाला बात हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को कंसिस्ट करता है, एंड प्रोपोगेट्स परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड्स। ठीक है, देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंसिस्ट करता है। इस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, और उन दोनों से परपेंडिकुलर ही मूव भी करता है। ठीक है, तो यहां से डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन
अगर हमसे पूछा जाएगा तो ये जो आएगा ई क्रॉस बी आता है, ठीक है। इस चीज से हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, ठीक है। तो ये सारे ऊपर ऊपर की बातें हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो डिपेंड करता है, यानी कि रेंज में वेरी करता है, यानी कि EMW का जो रेंज की बात की जा रही है, तो ये रेंज जो है रेडियो वेव से लेकर गामा रेज तक फैला हुआ है, रेज टू रेडियो वेव्स, ठीक है। इतना रेंज है। अगर वेवलेंथ की टर्म में बात करें तो गामा का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, लगभग 10^-2 -12 -12 मीटर से। रेडियो वेव का 10^6 के आसपास होता है, ठीक है। ये चीज होता है। तो ये कुछ हमारा सिंपल सा प्रॉपर्टीज है जो कि हमें ध्यान में रखना है। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हमें बोला जाए तो ये बात मन में आ जाना चाहिए कि इसके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे और ये दोनों से परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा। डायरेक्शन के लिए ई क्रॉस बी यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेंज वाली बात तो खैर स्पेक्ट्रम में आएगा, ठीक है। जी ठीक है, इसी पे बेस्ड डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है और इसी से एक्सप्लेन भी होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर सो कोई एक, हाँ जो ऊपर आपने वेव दो टाइप रेज, गामा रेज और रेडियो वेव, तो उसका भी जो स्पीड होगा हम लोग सेम कंसीडर करेंगे लाइट हाँ के अनुसार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सब कुछ सेम है, यानी कि गामा, एक्सरेज, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, यूवी रेज, विजिबल रेड, सब उसने ही स्पीड से चलेगा, ठीक है। तो जी सो ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किसे कहेंगे। तो एक चीज तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर ये अगर हमारा कंडक्टर है एक लेट से, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करता है, यानी कि हम बोलते हैं कि इसमें कुछ करंट आई बह रहा है, ठीक है। यानी कि एक कंडक्टर है, अगर कंडक्टर में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्री चार्जेस होते हैं, इस चार्ज के मूवमेंट से हम बोलते हैं कि इसमें करंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये जो करंट होता है ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इट इज कंडक्शन करंट, ठीक है। इसे हम लोग नाम क्या देते हैं, IC, यानी कि होता है कंडक्शन करंट कि चार्जेस के मूवमेंट के कारण होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर हम यहाँ पे एक ऐसा लूप बना लें, तो हम लोग पढ़े थे कि एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। एम्पियर सर्किटल क्या था, तो B.dl था जिसे हम लोग लिखते थे म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज, ठीक है। जी हम ये चीज यूज करके वी कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये चीज था, ठीक है। यानी कि ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई भी एक कंडक्टर है उसमें से अगर चार्ज बह रहा है, नहीं उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस में लगा रहे हैं, तो जो करंट है उसमें बहेगा, ठीक है। तो उस करंट की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, तो ऐसा आ रहा था।
ठीक है, तो ये सारा कहानी जो है मैक्सवेल, आगे का जो भी कहानी है या फिर पीछे जितने भी कहानी पढ़े हैं, सब कुछ मैक्सवेल इक्वेशन से आता है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने हाइपोथेटिकली यानी थ्योरेटिकली एक चीज प्रूफ करे थे, क्या? तो ये अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल का एक कहानी हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक ऐसा कैपेसिटर है, लेट्स से, ठीक है, एक कैपेसिटर है, इससे करंट आई बह रहा है, मतलब ये जो है फंक्शन ऑफ टाइम टी है, यानी कि करंट जो है समय के साथ साथ चेंज हो रहा है, लेट्स से इंक्रीजिंग ही हो, जो भी हम मान। तो अगर हम इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बताओ? यहाँ पे एक ऐसा लूप ड्रॉ करेंगे, एम्पेरियन, एम्पीरियन लूप, ठीक है। इस लूप की वजह से अगर हम बोलना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड कर सकते हो, बताओ? इंटेग्रल बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई, यही होगा। तो बी कितना आएगा इंटेग्रल, ये हम सर्कुलर लिए हैं, लेट्स से आर टू रेडियस पाई का, तो ये 2 पाई आर इंटू म्यू नॉट, ये भी जो भी फंक्शन ऑफ होगा, तो आई आर फंक्शन ऑफ टी लिख दे रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है ये म्यू नॉट 2 पाई आर, यही आएगा। ठीक है, तो यहां से हमें दिख रहा है कि अगर हम ये चीज यूज कर रहे हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इतना मिल रहा है। म्यू नॉट फिक्स है, आर 2 पाई सारा कुछ मान लेते हैं, अगर आर फिक्स है तो सारा कुछ कांस्टेंट है। ये आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, अगर 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0, अगर ये 0 नहीं है तो कुछ वैल्यू होगा, ना तो हमें दिख रहा है। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला कि नाउ अगेन कंसिडर, ठीक है, केस वन था, अगेन कंसिडर अदर बाउंड्री, ठीक है, अदर बाउंड्री। अदर बाउंड्री क्या बोले उन्होंने कि जैसे कि अगर ये हमारा प्लेट्स है, ऐसा करंट आई बारा हमें इस पॉइंट पे ही निकालना है, तो उन्होंने बोला कि एक ऐसा बाउंड्री बनाए कि इस चीज इस पॉइंट को तो कंसिडर करें ही, साथ में ये अंदर वाले पॉइंट को भी हम कंसिडर कर लें, यानी कि ऐसा टिफिन बॉक्स टाइप का एक शेप उन्होंने बोला बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि ये जो दोनों पॉइंट्स हम पी ले रहे हैं और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट एम लिए हैं, ये प्लेट्स का जस्ट बाहर और जस्ट अंदर की बात हो रही है। ठीक है, ज्यादा दूरी नहीं है, बहुत कम दूरी है दोनों के बीच में, अब दिखाने के लिए हम इतना दूरी बना रहे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इस पॉइंट एम और पी पे दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि हम जस्ट इस प्लेट के एक अंदर की बात कर रहे हैं और एक बाहर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इस लूप के थ्रू अगर हम देखें तो हमें करंट क्या दिख रहा है और पॉइंट है हम, वो स्टेटमेंट फिर से बोलिए क्या चीज, ना, प्लेट पे होना चाहिए। ये प्लेट के जस्ट इनसाइड एक पॉइंट है और उसके जस्ट, यानी कि प्लेट हो गया तो एक यहाँ पे पॉइंट लिए, एक यहाँ पे पॉइंट लिए, ठीक है, जस्ट अगल बगल में है। ठीक है, हम दिखाने के लिए भले ही थोड़े दूरी पे दिखा रहे हैं लेकिन ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही नजदीक नजदीक है। क्लियर है? तो अगर ये पॉइंट्स बहुत नजदीक है, यानी कि अगर हम बोलें कि ये पॉइंट पी और एम जो है बहुत ही आसपास में, तो क्या हम दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड से मान सकते हैं? हेलो, तो उन्होंने यही कहा कि जैसे कि अगर ये वायर है, ये तो बहुत ही थिकनेस कम है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दोनों में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा
कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एम होना चाहिए। तो अगर हम इस लूप के थ्रू अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं राइट वाले लूप के लिए, इस लूप के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? दिस इम्प्लाइज कि इंटेग्रल बी डॉट डी एल अगर हम लिखते हैं तो ये क्यून म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ करंट दिख रहा है क्या दोनों प्लेट्स के बीच में? अगर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे निगेटिव, तो यहाँ पे करंट कुछ हमें दिख रहा है? बोलो। नो सर। फॉर लूप बिटवीन प्लेट्स तो हमें कोई करंट नहीं दिख रहा है, ये वाला टर्म तो जीरो होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट एम जीरो होना चाहिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पी जो है जीरो होना चाहिए। तो उन्होंने इस केस को ऐसा समझा कि मान लेते हैं हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस लिए हैं, यानी कि करंट जो है बढ़ रहा है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंक्रीज कर रहा है, उस केस में हम देख रहे हैं। तो एक मेथड से देखे तो जस्ट आउटसाइड ही पॉइंट पी भी जो है इस प्लेट से जस्ट आउटसाइड ही है, उस पॉइंट पे हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है जो कि नॉन जीरो है। लेकिन हम वही जस्ट अंदर देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जा रहा है और पॉइंट में ज्यादा का वेरिएशन नहीं। ठीक है, तो दोनों बात से हजम नहीं हुआ, कैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जस्ट हम एक थिन सीट के अगल बगल ही तो देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जरूर कुछ ना कुछ इस लॉ में मिसिंग है, यानी कि जो एम्पियर लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें जरूर कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है? तो इसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने अपना एक क्वेश्चन दिया कि जो मिसिंग है वो एक करंट मिसिंग है, और वो करंट क्या होगा? तो उस चीज को उन्होंने बोला कि अगर हम फॉर्म यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये हम एक प्लेट से, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, प्लेट का एरिया ए है, ठीक है, तो इस पे अगर हम चार्ज क्यू की बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज क्यू यानी कि अगर करंट आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है, यानी कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का अगर केस लेंगे तो हमें क्यू जो है ये भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी मिलेगा। तो अगर हम इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी क्या होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी मिलेगा। क्लियर है? अब इस दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें फंक्शन ऑफ टाइम टी मिलेगा। तो ऐसा है तो दिस इंप्लाइज डेट कि जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम एफ ही लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ए इंटू ए होता है मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखे तो, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, एरिया अगर हम प्लेट कर ले तो उसी डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट बीच में इंटू ए होता है। तो ये Q by epsilon naught हमें दिख रहा है, ठीक है, that is equal to Q by epsilon naught. This implies that कि अगर हम change in flux की बात करें d phi by dt, तो हमें क्या मिलेगा? 1 by epsilon naught dQ by dt, ऐसा मिल जाएगा। ये जो dQ by dt है ये हमें क्या दिख रहा है? करंट, यहां से दिख रहा है कि epsilon naught डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। तो ये जो करंट आया बीच में हमें दिख रहा है कि कोई चार्ज जो है इस बीच में, चार्ज कोई मूविंग नहीं है, ठीक है, यानी कि प्लेट अगर हम इस पी से क्यू की तरफ की बात करते हैं तो पी से क्यू की तरफ करंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है, यानी कि चेंजिंग अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो हमें दिख रहा है कि एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और इस करंट को उन्होंने बोला कि ये करंट जो है ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, तो इसे उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट।
ठीक है, यानी कि दिस करंट इज ड्यू टू, इज ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है तो इट इज कॉल्ड, या फिर उसे हम लोग बोलते हैं कि और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। से थोड़ा ऊपर कीजिए ना, एक मिनट, और मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं, और ऊपर नो सब ऊपर। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग भले ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं, हायर स्टडीज में जाओगे तो शुरुआत यहीं से होगा, इससे तो मैक्सवेल इक्वेशन से। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन अभी लिखेंगे क्या क्या है। हो गया ठीक है, तो आईडी, तो अगर ये चीज है यानी कि चेंजिंग, हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहाँ दिख रहा है कि अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर एक करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा होगा, यानी कि इन्होंने यही बोला कि ऊपर जो हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ यूज कर रहे हैं उसमें ये करंट जो है मिसिंग है। ठीक है, ये चीज जो है मिसिंग है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो यहां से उन्होंने बोला कि करंट करंट इन आरएचएस ऑफ एम्पियर्स लॉ जो हम लोग लिख रहे हैं विल बी आई डेट इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी, यानी कि दोनों का कम्बिनेशन होगा। अगर वहां पे कंडक्शन करंट है, चार्ज के एक्चुअल मूवमेंट के कारण करंट है, तो उसे उन्होंने बोला कंडक्शन करंट, और आईडी यानी कि वेरिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट है यानी डिस्प्लेसमेंट करे, इन दोनों को ही हमें कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अगर हम इसे कंसीडर करते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट हम ऐसा लिख सकते हैं कि इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो है ये क्या है, तो म्यू नॉट इनटू आईसी प्लस आईडी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आईसी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। सो ये आई इनसाइड है ना जो लिखा, हाँ जो भी अंदर है उसी की बात कर रहे हैं, तो आईसी प्लस आईडी दोनों को ही कंसिडर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये भी निष्कर्ष हमको दिख रहा है कि अगर हम ऐसा एक एरिया लें और बोले कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द प्लेन है और ये टाइम वेरिंग है। ठीक है, टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा, तो हम फिर यहाँ कैपेसिटर वाले केस से देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जो आईडी होगा इसी डायरेक्शन में होगा, तो आईडी इधर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, दिख रहा है करंट से ऐसा है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वैसा सर गोलाकार होगा, और उसका डायरेक्शन के लिए अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीजिंग देख रहे हैं तो अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा तो उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड इधर दिखेगा।
ठीक है, तो यहाँ से हमें यह चीज समझ में आया कि अगर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ दोनों चीज को अगर हम मिला दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ होगा वो भी इस केस में टाइम वेरिंग ही होगा, कॉन्स्टेंट तो नहीं आया होगा। बोलो, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये भी क्या फंक्शन ऑफ टाइम ही होगा कुछ, अगर यस ये सर, टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो। अब ये फंक्शन ऑफ टाइम है तो इसके चेंज होने से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस रीजन में प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो ये एक दूसरे को प्रोड्यूस करते जा रहा है। ठीक है, अगर हम फ्री स्पेस की बात माने तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी एनर्जी होता है, मैग्नेटिक फील्ड के पास भी एनर्जी होता है। अगर हम एनर्जी को मानते हैं कि डिसिपेट नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर मैग्नेटिक एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा ही ये ट्रांसफर होते रह रहा है, और इसी दौरान ट्रांसफर होने के दौरान इसका प्रोपोगेशन होता रहता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है? सो ये बिटवीन द प्लेट्स, सो हाँ? ये जो आपने बनाया ये वाला टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये डायग्राम, ये हम बोल रहे हैं कि अगर इस रीजन में ऐसा में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम लोग प्लेट्स के लिए देखे तो प्लेट्स में भी तो ऐसा ही दिख रहा था, एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम करंट सर टाइम वेरिंग रखे थे तो चार्ज ऑन प्लेट्स टाइम वेरिंग रहेगा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, टाइम वेरिंग ही रहेगा। यस सर, तो सर ये सिर्फ प्लेट के या फिर उसके अगल हाँ, बगल के, क्या तो ये कौन से रीजन में ये एग्जिस्ट कर रहा है सर? कैपेसिटर होता है तो ऐसा, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे माइनस चार्ज, तो किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके बीच में, बोलो, तो प्लेट्स के बीच उसी रीजन की बात हो रहा है ना। में, यस सर। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लें तो हमें इसी रीजन का बात कर रहे हैं कि इस रीजन में, ये तो जानते हैं ना कि इससे इधर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होता है, पता है? यस ठीक है, यानी कि वहां कंडक्शन करंट नहीं है तो यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब अगर हम इस चीज को कंसिडर करें तो जो पहले एग्जांपल लिए थे, अब क्या ये सही हो जाएगा कि यहाँ पॉइंट एम और पॉइंट पी पे दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा? यस ठीक है, पी पे जो आया हो यहाँ कंडक्शन करंट की वजह से आया क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है, और इसके प्लेट्स के बीच में जो आएगा वहां कंडक्शन करंट जीरो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट है तो उसकी वजह से आएगा। क्लियर है? तो ये उन्होंने सो थ्योरी दिया था, हाइपोथेटिकल थ्योरी था, और इसी से उन्होंने बोला कि स्पेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए प्रोपोगेट करते रहते हैं। जैसे कि सूरज से जो सनलाइट आते हैं, ठीक है, तो जो सनलाइट होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो रास्ते में उसे कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, मीडियम नहीं है तो फिर प्रोपोगेट कैसे कर रहा है? पहले के जमाने के लिए बहुत ही असर की बात थी, तो उन्होंने उस समय बोल दिया था कि वहां पे मीडियम होता है जिसे हम इथर बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यही जो थ्योरी आया इसके बाद लोगों ने बोला कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक दूसरे को डिस्टर्ब करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। क्लियर है? सर, जो इतना ऑर्गेनिक क्लियर? केमिस्ट्री में ईथर पढ़ते हैं वही वाला ईथर? नहीं, ये अलग से नाम है, मीडियम को बोल देते हैं ईथर। ठीक है, वो जो केमिकल वाला ईथर वो नहीं। जिसका कैलकुलेटिव एक्सपेक्ट भी है, नहीं, वो हमारे स्कोप से बाहर का चीज है। ठीक है, हम बोले तो कि हम लोग लास्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हायर स्टडीज में जाओगे तो यहीं से शुरुआत होता है। ठीक है, क्या तो जो पहले पढ़े उनका एप्लीकेशन रहता है, जो हम लोग पहले पढ़े उससे हाँ पहले उन सबका रहता है एप्लीकेशन, कहाँ पे? हायर स्टडीज।
रहेगा ना, क्योंकि शुरुआत यहीं से, तो आगे तो आएगा ही। ठीक है, क्यों अच्छा आएगा तो अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या था कि मैक्सवेल जो थे वो बहुत बड़े आदमी थे। ठीक है, यस सर, ठीक है, बाकी जो लोग थे उनसे भी बड़े आदमी थे, यानी कि इनका ऊपर से डायरेक्ट कांटेक्ट था, और उन्होंने आंख बंद करके चार इक्वेशंस लिख दिए। ठीक है, पहला इक्वेशन लिखे, ई डॉट डी ए इजकल टू क्यू इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड इक्वेशन लिखे कि बी डॉट डी ए इजकल टू जीरो। थर्ड इक्वेशन लिखे इंटेग्रल ई डॉट डी एल इजकल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, चूंकि ये दोनों है तो यहाँ पे मैग्नेटिक एम लिख रहे हैं। और फोर्थ इंटीग्रल बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यानी कि इन्होंने ये चार इक्वेशन लिख दिया। प्रूफ रूफ किसी को कुछ नहीं बताया, बोला कि भाई जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो भी हम बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हो, ये चार इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंट बताए नहीं और चल लिए। ठीक है, तो बाद में इसे गॉस ने प्रूफ किया, तो इसे हम लोग गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या बोलते जैसे हैं, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, फैराडे एम्पीरियन लॉ, लॉ ना, जैसे और ये जो फैराडे, है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक है, एक यही लॉ था जो एम्पियर कुछ दिए थे, तो उसमें भी आके अपना दिए और फिर बोले कि नहीं ये गलत है आपका, ये सही है। ठीक है, तो ये चार इक्वेशन उन्होंने दिया। बाद में बहुत लोगों ने सर एक्सपेरिमेंट करके इसे प्रूफ करा था, उससे पहले इन्होंने अपने इक्वेशन लिख दिए थे, प्रूफ नहीं बताए थे। हाँ बोलो। थर्ड वाला इक्वेशन है, उसमें साइड में राइट हैंड साइड में सर नेगेटिव रहेगा। ई डॉट डी एल माइनस डी एम बाई डी डी फाई बाई डी टी तो आता था। तो वो ईएमएफ का वैल्यू रहता था ना, तो ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर रहता था। क्या ईएमएफ का वैल्यू माइनस डी फाइव बाई डी टी आता था। अच्छा, हाँ तो माइनस तो रहता है फैराडे लॉ। इसे हम फैराडे लॉ से कैसे लिख सकते हैं, ये ईएमएफ ही है। तो ईएमएफ तो माइनस ई डॉट टी आर होता है, तो माइनस माइनस कट जा रहा है। ई डॉट डी आर जैसे हम लोग लिखते थे ना, डी फाइव बाई डी टी ईएमएफ इक्वल टू, यही तो लिखते थे। हाँ यस सर, तो माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे तो माइनस ई डॉट डी आर। माइनस ई डॉट डी आर लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन बुक्स में माइनस दिया रहता है। क्लोज के लिए है तो ऐसे ही याद रखना है, कुछ होगा। ईएमएफ को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए शायद अपने माइनस नहीं, हाँ मतलब माइनस आए। ई डॉट डी एल को शायद डेल्टा वी लिख रहा है, तो इस वजह से लिखा हुआ है कि पॉजिटिव है इसलिए। यस ठीक, तो माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो ये चार इक्वेशन है जो हम लोग पढ़े हैं, यानी कि ईएमएफ का डेल्टा वी रिप्रेजेंट कर रहा है ई डॉट डी ए। ये चार इक्वेशन उन्होंने बहुत पहले ही दे दिया था, प्रूफ नहीं बताया था। जो अभी हम लोग ऊपर डिस्प्लेसमेंट करंट का भी बोले तो भी हाइपोथेटिकल प्रूफ ही है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो ये था मैक्सवेल लॉ। मैक्सवेल तो ऊपर से कांटेक्ट था, बस लिख के चले गए, बोले कि अब तुम लोग देखते रहो। ठीक है, तो ये मैक्सवेल इक्वेशन है जिसे हम लोग अभी तक पढ़े हैं, यानी गॉस लॉ पढ़े,
फैराडेज लॉ पढ़े, एम्पियर लॉ पढ़े, वो सारा सबसे पहले मैक्सवेल ने दिया था, इसलिए बोल रहे थे कि शुरुआत यहीं से होगा कि मैक्सवेल लॉ है, फिर कर कर के एक एक करके सारा कुछ आएगा। ठीक है, इसमें बेस्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक ऐसा सर्कुलर कैपेसिटर है, सर्कुलर है, रेडियस जो दे रखा है 1 मीटर दिया है, इसका कैपेसिटेंस 1 नैनो फैरेड है, स्विच भी है। ठीक है, ये स्विच है, ये रेजिस्टेंस आर है 1 मेगा ओम, ये है 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे बीचों बीच एक पॉइंट है, इसके सेंटर पे एक पॉइंट है पी। ठीक है, यानी कि अगर ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस D/2 होगा। ठीक है, ऐसा दे रखा है डी का वैल्यू नहीं दिया है, ए एक्स एल नॉट बाई डी से निकाल लेंगे। इसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द ठीक है ना, ऐसा है पी का पोजीशन, ये जो है सेंट्रल लाइन है, तो पी जो है यहाँ पे है। ठीक है, बोल रहा है पी इज एट मिड पॉइंट ऑफ हाफ वे, पी इज एट हाफ वे, ऐसा दिया है, जो लिखा हुआ लिख देते हैं हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड पेरिफेरी ऑफ प्लेट्स। ठीक है, सेंटर और पेरिफेरी के बीच में है, और वो सेंटर में ही है, मतलब कि इन दोनों के बीचों बीच है। ठीक है, और ओ से पी का जो दूरी है वो है 0.5 मीटर, तो दिख रहा है कि रेडियस 1 मीटर का है, तो पी का डिस्टेंस जो होगा वो 0.5 मीटर होगा। तो पूछ रहा है हमसे कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट टी इज इक्वल टू 10^-3 सेकेंड। ठीक है, इतना टाइम पे फाइंड करना है, चूंकि ये जो स्विच को हम क्लोज कर रहे हैं टी इज इक्वल टू 0। सर वहां पे एंड के बाद क्या लिखे हैं? पेरिफेरी, ठीक है, कहने का मतलब है कि ये हमारा 2 प्लेट्स हो गया, ये सेंट्रल लाइन हुआ। ठीक है, ये जो लाइन है इसके यहाँ पे पॉइंट पी पे, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक ऐसा और सर प्लेन ले लें ऐसा ही, तो ये जो डिस्टेंस है हमें ओपी, ये 0.5 दिख रहा है, जबकि इसका रेडियस आर 1 मीटर दिख रहा है, तो ओपी जो है R/2 दिख रहा है। क्लियर है? Yes. सर यहाँ पे वो आरसी वाला क्वेश्चन ही चुका ना, चार्जिंग का केस है, टी इज इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं, उसके बाद तो चार्जिंग केस में 1 माइनस तो हम e टू द पावर 1/RC क्यू इज इक्वल टू क्या आता है, क्यू नॉट यानी कि सी वी 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस टी बाई टॉ आरसी
इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कितना मिलेगा इन टू एरिया? एक सेकेंड, तो सर्किट थे यहाँ पर टू पाई बाई ई इंटू टेन पावर माइनस सिक्सटीन सही है, टू पाई बाई ई माइनस 13 है, 10 का पावर माइनस 16 माइनस 16 देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कैलकुलेट करके दे रखा है 0.74 इंटू 10^-3 टेस्ला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें लिखना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है बीच में दो प्लेट्स का, तो क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हम एरिया इतना लिख सकते हैं, तो ये हम बोल सकते हैं। अब अगर हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं, ये किसके थ्रू फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो ये लाइन है हमारा, तो ये एरिया लेंगे कौन सा, इसका रेडियस जो होगा ये क्या होगा, तो ओपी होगा, इसी के थ्रू फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो ये रेडियस कितना है, आर बाई टू के बराबर, तो फ्लक्स यहाँ पे पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर लिखेंगे, आर जो है वन है, तो यहाँ से हमें फ्लक्स जो दिख रहा है ये दिख रहा है ई पाई बाई फोर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, जो जगह क्यू बाई फोर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमें फ्लक्स मिल गया। तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट करंट मिलता है, दिस इंप्लाइज दैट कि आईडी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट अगर हम लिखना चाहते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाय डीटी होता है। तो इसे अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो फोर एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, हम इसे बाहर ले सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू बाई डीटी, ये तो कट गया। तो ये हमें क्या मिल रहा है, हाँ 2.3 इंटू 10 का पावर माइनस 13
इसमें दिया 0.74 × 10⁻³। तो देख लेते हैं, आईडी जो है इतना आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट हमें इतना आ गया। अब dQ/dt कितना आएगा बोलो, कितना आएगा? Q हमने देखा था कि C into V कितना है, C कितना दे रखा है, तो 1 nF and 2, तो 2 × 10⁻¹ CV, या फिर लास्ट में वैल्यू रखनी CV × 1 − e⁻¹⁓ तो यहाँ से हमें dQ/dt क्या मिलेगा, करंट के बराबर। कंडक्शन करंट को कंसीडर करना होगा क्या? कंडक्शन करंट को इसमें कंसीडर करना होगा, तो वहाँ बीच में कंडक्शन करंट रहता है क्या, बताओ? दोनों प्लेट्स के बीच में क्यों करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे dQ/dt क्या जाएगा बताओ, C कितना है, तो 10⁻¹। V कितना है, 2। टो क्या था, RC, यानी 10⁻³ हो जाएगा। आर सी है तो ये हो जाएगा 10⁻¹⁹। यहाँ पे e⁻¹⁰ जो है दे रखा है 10⁻³, और ये भी आ रहा है 10⁻³। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये तो गया यहाँ पे −1, तो ये हमें मिल जा रहा है 2 E × 10⁻⁶। ये मिल रहा है, ठीक है। तो आईडी कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि आईडी इज इक्वल टू, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा जो है 1/4 टाइम्स इसका, तो हो जाएगा 1/2 E × 10⁻⁶। अगर आईडी मिल गया तो इंटीग्रल B.dl से हम लिख सकते हैं μ0 IC + ID, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ये IC जो है बीच में जीरो है, तो हम इसे जीरो कर दिए, ID का वैल्यू पता है, तो यहाँ से B × 2 πR, R की जगह क्या हो जाएगा 1/2, इक्वल टू हो जाएगा μ0 ID, यानी 1/2 E × 10⁻⁶। ये 2 से तो 2 गया, B इक्वल टू हो जा रहा μ0/2πE × 10⁻⁶। म्यू नॉट को रख सकते हैं 4π × 10⁻⁷, 2π × E 6, 2π × E × 10⁻⁷। ठीक है, अभी इसे सॉल्व करेंगे तो जो है ये आ रहा है 2.73 होता है, रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो यहां से हम लोग जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके इक्वेशंस के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। डेरिवेशन ये सब हमारे स्कोप से बाहर का चीज है, तो डायरेक्टली जो चीज है वो याद रखना है, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग देख रहे हैं, तो ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, दिख ही रहा है, एंड प्रोपोगेशन जो है ये भी जो है परपेंडिकुलर टू, यानी कि वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होता है, और ये जो मूव करेगा जिस डायरेक्शन में वो भी मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। यानी कि हम इस केस में ऐसा कुछ कह सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ फिगर बनाना चाहें कि आखिर कैसे वेरी करता है, तो ये हमारा एक प्लेन हो गया, ठीक है। हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं,
ऐसा हम बोल रहे हैं कि ये प्लेन हो गया, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऐसा है, ठीक है, जैसे कि अगर हम इसे वाई बोल रहे हैं, इसे जेड बोल रहे हैं, इधर एक्स बोल रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, वाई की तरफ है, ठीक है, वेव की टर्म में, जैसे कि हम लोग अगर देखें कि ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगा। ऑसिलेटिंग चार्ज इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेटिंग चार्ज हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेटेड होता है, ऑसिलेशन होता है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, तो हम चार्ज को पकड़ के अगर ऑसिलेट करेंगे मान लेते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी ऑसिलेट करेगा और तीनों का फ्रिक्वेंसी सेम होता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में वेरी कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा जेड प्लेन में अगर वेरी कर रहा है, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो दिख रहा है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, तो ये हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बोल रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड है। तो ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका जो प्रोपोगेशन है यानी कि वेलोसिटी जो होगा ये हमें मिलेगा कि ये हमारा एक्स डायरेक्शन में होगा। ये हमें किधर दिख रहा है, वाई डायरेक्शन, ये दिख रहा है जेड डायरेक्शन, तो जो वेलोसिटी है ये मिलेगा हमें एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि तीनों सर आपस में परपेंडिकुलरली मूव करेंगे और डायरेक्शन देखने के लिए ई क्रॉस बी देखना है। हाँ सर जो आप साइनोसोइडल कर्व बनाए हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है दोनों साइनोसॉइडल ही है, सर, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। हाँ ये जो हम बना रहे हैं जो वाई जेड प्लेन में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वाई एक्स प्लेन में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड है और एक्स प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर जो पैरेलल लाइंस बनाए हैं वो क्या है पैरेलल लाइंस कहाँ है, ये सर? नहीं वो सर प्लेन वो को प्लेन रिप्रेजेंट नहीं, करने के लिए। जो पैरेलल हाँ लाइंस बनाए हैं वहां पे ओरिजिन के पास। अरे ये ऐसा बना रखे हैं ताकि हमें नजर आए कि हाँ भाई ये दोनों जो है परपेंडिकुलरली है, ठीक है, यस सर वैसे तो दोनों एक ही में दिख रहा है ना, अभी ऐसा अगर बना दिए हैं थोड़ा बहुत हमें लगेगा कि हाँ भाई ये परपेंडिकुलर है, इसमें अजीब टाइप का दिख रहा है दो इधर में, तो समझ आया, यस सर ठीक है, मतलब कि हम वो परपेंडिकुलर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। यस सर तो यहाँ से अगर हमें डायरेक्शन देखना हो तो हम हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम यहाँ पे फंक्शन देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो क्या लिखेंगे बताओ, ई नॉट, ये वाई डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, मूव किधर कर साइन रहा है, ओमेगा टी सर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखते हैं, वेव का लिखते हैं तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए एक्स, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अगर देखेंगे तो ये जेड डायरेक्शन में है, ये बी नॉट कुछ लू आएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा ही लिखेंगे। यहाँ पे के का वैल्यू क्या होता है, वेव नंबर बोलते हैं 2π/λ, और ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2π/T फ्रीक्वेंसी या फिर 2π × f। स्पीड ऑफ वेव क्या होगा, वी इक्वल्स टू एफ इनटू लैम्डा λ/T या λ × f या फिर ओमेगा की टर्म में, लैम्डा ओमेगा बाय 2π। ओमेगा बाई के कर सकते हैं, यस ओमेगा बाई के करेंगे तो आ जाएगा ना, यस सर
ठीक है, ये आता है भी, ये जो भी आता है किसके बराबर आता है, सी के बराबर। ठीक है, जो भी आता है सी के बराबर आता है, तो यहां से हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू सी इंटू के भी लिख सकते हैं। सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, ऑल्सो ऑल्सो जो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में हम मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को भी दे सकते हैं। बी नॉट इज इक्वल टू क्या आता है, ई नॉट बाई सी। ठीक है, ये चीज आता है, बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी। और एंड सी इज इक्वल टू जो आता है यहीं से सी इज इक्वल टू हम लोग ई नॉट बाई बी लिख सकते हैं, नॉट बाई बी नॉट। और ई नॉट और बी नॉट ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, तो ये चीज हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 1/√μ/ε। ठीक है, म्यू इंटू एप्साइलन। अगर हम फ्री स्पेस के यहाँ बात कर रहे हैं तो ये हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, यानी कि फॉर एनी मीडियम, यानी कि इफ वेव इज प्रोपोगेटिंग इन एनी मीडियम, अगर किसी मीडियम में प्रोपोगेट कर रहा है तो हम वो स्पीड ऑफ लाइट जो स्पीड बोलेंगे, यानी कि हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं जाएगा, कोई और स्पीड होगा, और हम उसे म्यू इनटू एप्सिलॉन का अंडर रूट बोल सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 1/√μr के टर्म में μr म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ये लिख सकते हैं। तो ये हमें ध्यान से देखो तो ये सी बाई अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहां से एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं एन, जो हम लोग पहले से जानते हैं कि सी बाई वी होता है। तो सी बाई वी अगर ध्यान से देखो तो ये हमें दिख रहा है म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, और इस ईटा को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ ईटा लिखे हैं, ये हम बोल रहे हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। 10th क्लास में पढ़े होंगे फॉर लाइट। अगर हम लोग लाइट के लिए देखे थे ऑप्टिकल के लिए, तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही था, तो वहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि सी बाई वी जो था, यानी कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम जो है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आता है। तो कितना आता है, तो अंडर रूट म्यू आर इनटू एप्सिलॉन आर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सब चीज रिलेशन से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा तो बहुत कम चांसेस है, पहले से जो पूछा हुआ है इसका डायमेंशन लिखो, जिसको पता था कि ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है तो डायमेंशन 0 लिख के आ गया। 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखो, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से जाए तो लंबा पड़ सकता है, लेकिन अगर जो जानता हो कि सी बराबर 1/εr इंटू म्यू नॉट का अंडर रूट होता है, तो हम आराम से लिख सकते हैं। क्लियर है? टर्म इक्वेशन कैसे आया? कौन सा, वो सो सी चीज ये हमको वन नहीं बाय पढ़ना है यहाँ पे। कौन सा, ए सी का ना, हाँ सी इज इक्वल टू 1/√εr वो सब नॉट चीज हमें नहीं पढ़ना है, दोनों से रिलेट करके है, वो हमारे बाहर की चीज है, बस याद रखना है कैसा होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस मिलेंगे हमें, यूज करने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर किसी मीडियम के लिए लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, केसेस पे डिपेंड करता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहाँ से ये आ जाएगा, और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोलते हैं, तो 1/√μ/ε0 आएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है? यस ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी और सब वेव जैसा हम बोल सकते हैं कि इसके पास भी एनर्जी होगा। ठीक
ठीक है, यस अगर हम किसी वॉल्यूम की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, जैसे हाफ यूवी अगर हम लिखे थे, याद है? ठीक है, लिखे थे 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, एंड ये जो था ये आया था 1/2 बी नो स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हम जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में इनवर्स का रेशियो, इनवर्स का रिलेशन टाइप का होता है, जैसे हम लोग याद रख सकते। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ई एम डब्ल्यू ऑल्सो कंसिस्ट एनर्जी। ठीक है, ये भी क्या करता है, एनर्जी को कंसिस्ट करता है। ठीक है, अगर एनर्जी है तो पावर होगा, मोमेंटम होगा, तो सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कितना मोमेंटम होगा, किसी सरफेस पे पड़ेगा तो कितना पावर ट्रांसफर करेगा, कितना फोर्स लगाएगा, कितना इलेक्ट्रिकल प्रेशर होगा, वो सारा चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके पास एनर्जी है, ये बात हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? जी ठीक है, इसके बाद है हमारा स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या है, ये वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और इनके प्रॉपर्टीज होंगे, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसे याद रखना होगा। ठीक है, नीट में बेसिकली यस पूछे सर जाते हैं कि क्या होगा प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, तो एनसीईआरटी में जितना दिया है, लास्ट में एक साइड टेबल भी बना के दे रखा है, उसे भी याद रखना है, फिर पढ़ लेना है कि क्या के लिए होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है और डिटेक्शन कैसे करते हैं, इनका जो वेवलेंथ होता है वो कैसे वेरी करता है। याद करने का ट्रिक बता देते हैं, ऐसे शुरू होगा रेडियो से, फिर माइक्रोवेव, फिर आता है गामस फ्रीक्वेंसी के टर्म में, फ्रीक्वेंसी उल्टा हो जाएगा ना, यस सर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, विजिबल विजिबल के बाद यूवी, ठीक है हम एक्सरेज, स्ट्रीट कैमरास फिर गामा रेज। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, लेमडा घट रहा है कि बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी गेस घट बढ़ रहा रहा है। ठीक है, स्पीड सबका सेम है, लेमडा इंटू एफ जो होता है, भी जो है ये कांस्टेंट है जो कि लेमडा इंटू एफ होता है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि लेमडा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ है, तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, याद कैसे रख सकते हैं ये, तो यहां से देखो कि ये जो है, अच्छा विजिबल का एक लिख लेते हैं, विजिबल जो होगा सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, बाल विजिबल में बामर पास्कल कहाँ से आ गया, विवगियोर होगा ना, रेड सबसे ज्यादा तो रेड का होता है, तो आगे जा रहे हैं तो लंबा यस घट रहा है, तो ऐसा लिख सकते हैं, उल्टा लिखे हैं विवगियोर को और कुछ नहीं लिखे हैं। क्लियर है? यस याद कैसे रख सकते हैं, जैसे रेडियो को माइक्रोवेव में डाला तो लाल होकर दिखने लगा। ठीक है, क्या है, रेडियो को माइक्रोवेव में डाले तो लाल होकर दिखने लगा, उसके बाद यूवी एक्स वाई, गामा रेज को गामा ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो गामा एक्स वाई, यू एक्स वाई याद रख सकते हैं। यस ठीक है, तो इधर का पार्ट क्या है, उल्टा करके एक एक्रोनिम बना लेंगे सी क्या एक्स यू वी आई एम आर XUVIMR, जी ए एक्स यू वी आई एम आर उल्टा करके बना लेंगे एक्रोनिम
जैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, याद रखने का कोई RM कुछ बन रहेगा, RMIV ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, तो उल्टा याद रखो, सीधा याद रखो, जैसे भी याद रखना है रखो। ये चीज याद रखना है कि लेमडा किसका ज्यादा है किसका कम है। ठीक है, और बुक में दे रखा है, NCERT में देखना है कि सबका वेवलेंथ रेंज क्या है। ठीक है, तो वेवलेंथ रेंज माइंड में रखना है, घटते बढ़ते तक ध्यान में आ जाता है कि हाँ भाई इसका इतना हो। विजिबल के लिए ज्यादा यूज होता है, तो विजिबल का रेड का जो वेवलेंथ होता है ये लगभग 700 नैनोमीटर के आसपास होता है, फोर और ये वायलेट हंड्रेड का 400 या 350 के आसपास, यानी कि हम अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर यूज कर सकते हैं। क्लियर है इसका, यानी कि विजिबल का ये रेंज होगा। वैसे ही सबका दिया है, तो विजिबल ज्यादा याद यूज होता है, तो इसको याद रखना है, बाकी का ध्यान में रख लेना है कि हाँ भाई कौन कितना है। ठीक है, हाई है कि लो है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका है, गामा रेज का क्या है, ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, इन सब चीजों को याद कर लेना है। एक लास्ट में टेबल दे रखा होगा, उसे याद रखोगे सारा काम हो जाएगा। तो क्लियर है? प्रोड्यूस कैसे होता वो? इसमें हम लोग को एक्सरेज के लिए डिटेल में पढ़ेंगे, गामा रेज के लिए पढ़ेंगे, बाकी सबका बस पढ़ लेना है कि क्या होता है। ठीक है, जैसे रेडियो के लिए होता है कि अगर बहुत ही तेजी से चार्ज को एक्सेलरेट डीएक्सेलरेट करते हैं तो जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होता है वो बहुत हाई होता है, तो उसे हम लोग रेडियो वेव के रखते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स से जो पढ़े होंगे, लाइमल बामल पास्कल ये सब, तो उसमें क्या था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होता है उसे इंफ्रारेड कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि उस रेंज में आते हैं तो इंफ्रारेड बोलते हैं। फिर कुछ देखे होंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर सेल फांदता है या लोअर से हायर जाता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, पढ़े हो? जैसे ठीक है, तो उसमें भी जैसे हम लोग वही चीज है, उसके वेवलेंथ के रेंज पर हम लोग बोलते हैं कि विजिबल रेंज में है कि यूवी रेंज में है। एक्सरे वाले है तो एक्सरे में हम लोग बोलते हैं कि कैथोड रेज, यानी कि बहुत ही एक्सेलरेटेड कैथोड रेज किसी मेटल प्लेट से टकराते हैं तो उनके जो एटम्स होते हैं वो एटम्स के इलेक्ट्रॉन को तोड़ के बाहर फेंक देते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो वहां भी एनर्जी रिलीज होता है, तो उस एनर्जी को हम लोग देखते हैं कि जिस रेंज में रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो एक्सरेज, यानी कि उतना फ्रिक्वेंसी आता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो एक्सरेज। ठीक है, गामा रेज तो जैसे कि रेडियो एक्टिव कोई सबस्टांस है तो वो अगर रेडिएट करता है तो बीच में कोई एक एक्टिव स्टेट बना लेता है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो हम जानते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में तो कोई भी बॉडी ज्यादा देर तक नहीं रहता है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करके फिर स्टेबल स्टेट में आता है, तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होता है वो गामा रीजन में होता है, तो उसमें हम लोग गामा रेज करते हैं। ठीक है, ठीक जैसो है, तो इसे एक बार पढ़ लेना है, गामा एक्सरेज और इंफ्रारेड इन सब के लिए तो हम लोग आगे जब ये पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स तो उसमें आ ही जाएगा। रेडियो वेव, माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट ये नहीं आता है प्रॉपर, मतलब होता तो वैसा ही है कुछ इसमें भी, लेकिन हमें पढ़ने को नहीं मिलता है आगे के रीजन में, क्योंकि एटम्स हम लोग देखते हैं तो इंफ्रारेड से लेके गामा रेज तक ही मिलता है। तो इतना चीज था, तो इसे एक बार जाकर NCERT पूरा पढ़ लेना है, उससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत भी नहीं है इस चैप्टर में। NCERT पढ़ के और होमवर्क यही है कि रीड NCERT पूरा ये चैप्टर, से EMW खत्म। हाँ NCERT, फिर सॉल्व NCERT प्लस बुकलेट। ठीक है, पढ़ के एक दिन में खत्म कर सकते हो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसे खत्म करके चैप्टर क्लोज ही कर दो।
ऊपर वाले से तो जो क्वेश्चंस मिलेंगे हमें इस वाले रीजन से, तो इसे डायरेक्टली क्वेश्चन, एक इक्वेशन दिया रहेगा, दूसरा पूछेगा, तो इन सब चीज से रिलेटेड जो कि हम लोग वेब में भी किए हैं, तो आसानी से हो जाएगा। ये जैसो वाले पार्ट के जो क्वेश्चन होंगे उसे याद रख करके करना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि याद है कि कौन किधर अप्लाई करता है, तो हम अपना अप्रोक्सीमेटली आंसर बता सकते हैं। तो उसे एक बार पढ़ लेना है, पढ़ लोगे तो उसके बाद हो जाएगा, ठीक है? इतना बाद में जैसो कोई दिक्कत? ठीक है, तो कल से जैसे हम लोग का क्लास 1 बजे से ही लगा हुआ है, ठीक जैसो है? तो कल सेमीकंडक्टर शुरू करना है, तो सेमीकंडक्टर जो होगा वो एरिट बैच वालों के साथ ही होगा, ठीक है? तो शायद एरिट बैच वालों का 3:30 बजे से क्लास है, यस सर, ठीक ठीक है? तो उसी टाइम पे तुम लोग का भी क्लास होगा, तो इस वीक में, 3:30 से होगा क्लास, हाँ 3:30 से होगा। हाँ मतलब एरिट वाला टाइम देख लेना कितने बजे से है, 1 मिनट देख ही लेते हैं। 3:30 से शायद, सर 1 बजे रख दीजिए ना सर, 1 बजे उन लोग वाला का टाइम ज्यादा अच्छा है। उन लोग का स्कूल है 1 बजे से, मतलब एक स्कूल रहता है तो लोग नहीं करेंगे सर एक उसमें तो बजे सर सब डीपीएस का ही है लगभग, वो लोग का तो 11 बजे तक खत्म हो जाता है। पता नहीं, बात तो किए थे तो सर भी बोल रहे थे कि उन लोग का स्कूल रहता है तो 1 बजे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो 3:30 से ही रहेगा, देखते हैं इस वीक में करो, नेक्स्ट वीक का जो भी है। तो कल 3:30 से है, परसों भी 3:30 से है, और उसके बाद है 5:10 से, ठीक है? तो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे वाला जो क्लास है तुम लोग का 1 बजे से है, तो उस दिन डिस्कशन क्लास रख लेते हैं, जैसो ठीक है? उन लोग का जैसे कि मैग्नेटिज्म भी चल ही रहा है, तो वीक में 2-3 लेक्चर मैग्नेटिज्म चलेगा और 4-5 लेक्चर तुम लोग के साथ। तो इस वीक में 3 ही लेक्चर है, तो कल परसों और थर्सडे को 3 दिन एरिट वालों के साथ ही चलेगा, ठीक है? सेमीकंडक्टर, कितना हाँ इसमें लेक्चर का चैप्टर है, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर? 6 से 7, यस सर। सर छह जो सात एससी वर्मा लेक्चर में लास्ट में जो 3-4 चैप्टर दिए गए सर, वो सब मॉडर्न फिजिक्स में ही आते हैं ना? कौन सा, रिलेटिविटी वाला? सर उससे पहले कुछ दिया हुआ था सर, बता रहे एक सर। सर थर्सडे वाला भी अरिट के साथ है हाँ सर, वो 5 बजे से है। सर हाँ 5:10 से है, करंट थ्रू गैसेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे, हाँ तो सेमी कंडक्टर। हाँ मॉडर्न पे मॉडर्न फिजिक्स में है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरेज, एटॉमिक सर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस और रिलेटिविटी सिलेबस में है? रिलेटिविटी नहीं पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो यस मॉडर्न सर। फिजिक्स में आएगा वो सब चीजें, सेमीकंडक्टर के बाद फिर शुरू होगा, ठीक है? यस तो उसमें 10 से 12 लेक्चर लगेंगे, तो 12 और 6 18, 18-20 में इतना सब खत्म हो जाएगा, तो फिर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बचेगा, ठीक है? सो फिर जो हम लोग का वो बाकी थर्मोडायनेमिक्स वाला, हाँ तो ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स करने के बाद फिर उसको कर लेंगे, जिस जिसका बचा हुआ है, ठीक है? फिर ठीक है, तो यस सर, क्वेश्चन, फिर भी भेजिएगा। क्वेश्चन सब कर लेना है, और थर्सडे को नहीं, फ्राइडे को डिस्कशन कर लेंगे, जो भी डाउट रहेगा सो होमवर्क दिए तो बुकलेट एनसीआर एएमडब्ल्यू का तो दे ही दिए, सर, और एसी का नहीं मिला, एसी और ईएमडब्ल्यू का एक साथ ही होंगे। एसी का भी तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसे भी पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होना यस चाहिए उसमें, ठीक है? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा तो एसी भी कर सकते हो, ठीक है? सर, और ईएमआई का एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 2 तो शायद हो गया था,
एक्सरसाइज 3 में सेक्शन ए कर यस लेना, सर ठीक है? यस सर ठीक है फिर। सो हाँ सर, जो बेसिक करंट में अगर हम लोग कैपेसिटर का एक्स सी कैपेसिटर रिएक्टेंस निकालेंगे, सो उसका